जय भारत साथियों। साथियों आप भी मेरे साथ एक बार जय भारत जरूर कमेंट कर दिए। आप भारत देश से प्यार करते हो क्योंकि भारत की तरक्की समझ लो आम आदमी की तरक्की। तो ऐसे में आइए सब मिलकर हम भारत को आगे बढ़ाते हैं और व्यापार की एक शुरुआत करते हैं। यदि आप इंदौर का होलसेल सियागन मार्केट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं जो कि वीडियो में दिखा रहा हूँ पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ चॉकलेट बिस्कुट। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ श्री गणेश ट्रेडर्स, जो कि इंदौर के होलसेल मार्केट सियागन में ये शॉप है, जहाँ पर आपको कन्फेक्शनरी अर्थात चॉकलेट बिस्किट टॉफी सभी प्रकार के आइटम यहां पर आपको मिल जाएगा। बस यहां पर आपको पहुंचना है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, यहां जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और आप घर बैठे भी माल बुलवा सकते हैं। आप ये मॉल देख सकते हैं और गली में शॉप कहां है ये सारी चीजें मैं आपके बीच में शेयर कर चुका हूं। तो चलिए बातें ढेर सारी होगी, अब शुरू करते हैं अपना आज का अपना वीडियो। भैया आपका नाम बताइए। सतवीर राठौर। अपने फार्म का क्या नाम है? श्री गणेश ट्रेडर्स। कहाँ पर स्थित है ये? सियागंज में पावर हाउस है, उसके सामने गली में। क्या क्या चैम्बर में क्या क्या आइटम मिलता है अपने यहाँ पर? अपने वहाँ गोली चॉकलेट में सभी वैरायटी है, फिर चिकिया है जी, चिकियों में राजगे लड्डू है, दाना पट्टी है, राजगरा पट्टी है, उसके बाद मावा चिकी है, बादाम चिकी है, काजू चिकी है, बहुत सारी वेरायटियाँ हैं जी। शॉप का टाइमिंग क्या होता है अपना? ये सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक, और संडे को? संडे को क्लोज रहता है। अच्छा, आपका माल कहाँ कहाँ तक चला जाता है? मेरा माल एक्चुअल सभी जगह जाता है, रिटेल वाले भी ले जाते हैं, थोक वाले भी ले जाते हैं जी। जी जी, ठीक है सर। अपनी वैरायटी बताइए सर। ये राजगिरा पट्टी है, ये 130 रुपए का है, 250 की तैयारी होती है, 250 बनते हैं, 50 पीस आते हैं इसमें। ये फिर ये काजू चिकी है, 130 रुपए का, 155 रुपए का रेट है, 250 बनते हैं इसका, 15 का बॉक्स होता है आउटर, ठीक है। फिर ये दाना पट्टी है, इसको 130 रुपए का है, 250 बनते हैं। फिर ये बादाम चिकी है, 155 रुपए का है, 250 बनते हैं। फिर ऐसे ही ये राजगे लड्डू आता है, 130 रुपए का, 200 बनते हैं। फिर इसमें एक ये दाना पट्टी आती है, 100 रुपए का है, 200 बनते हैं। और राजगिरा लड्डू है ये, 120 रुपए के, 200 बनते हैं, ठीक है। 5 बिक्री का आइटम रहता है ये। एक कितने, जैसे एक पीस कितने का पड़ता है? एक पीस 5 रुपए का बिकता है। और पड़ता कितने का ये? पड़ता है अपना 3 रुपए का, और 5 रुपए में बिकता है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। देखें एक रुपए वाला ये राजगिरा लड्डू है, 90 रुपए का, 140 पीस बनते हैं, 140 बनते हैं, 190 बिक्री का। हाँ, एक रुपए बिक्री का आइटम है, एक रुपए बिक्री का आइटम। तो पड़ता कितने का होगा ये? पड़ता 60 रुपए, 90 रुपए का पड़ता है, 140 बनते हैं। नहीं, जैसे एक रुपए बिकता है ये, हाँ, तो एक पीस कितने का होता होगा ये? ये 64 पैसे का एक पड़ता है, ठीक है, और एक रुपए में बिकता है, एक रुपए में बिकता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सर। ये गुड़पट्टी है, 45 रुपए की है, 75 बनते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बताइए। ये आइटम है 83 रुपए की पड़ती है, 120 बनते हैं। क्या चीज़ थोड़ा ऐसे बताइए, ठीक है। आइटम ये चॉकलेट बताइए ना, इधर ये चॉकलेट के ऊपर ये स्ट्रॉबेरी, जेली स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये 75 रुपए पड़ती है, 150 बनते हैं, 75 के 150 बनते हैं, 75 के 150 बनते हैं, ठीक है। ऊपर क्या रखा है? ये वेफर है। हाँ, वो 190 का पड़ता है, 250 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ये सेंटर फ्रेश कैसे क्या है? ये सेंटर फ्रेश है, 175 की पड़ती है, 200 बनते हैं, ठीक है। और बताइए, जैसे इधर ये चॉकलेट वोकलेट ये सारी चीजें रखी है, ये पेड़ा आता है, 140 रुपए पड़ता है, 240 बनते हैं, ठीक है। वैसे ये बेसन लड्डू आता है, 5 रुपए का बिकता है, 120 रुपए का पड़ता है, 200 बनते हैं, ठीक है। ये कितने का पड़ता है? ये रसगुल्ला है, 35 रुपए का पड़ता है, 50 बनते हैं, ठीक है। इधर अगर आ जाते हैं अपन तो ये इधर ये मिठाइयाँ हैं, ये मैसूर पाक है, 160 रुपए का पड़ता है, 250 बनते हैं, ठीक है। फिर ये उसके बाद ये पेड़ा है, 160 रुपए का पड़ता है, 250 बनते हैं, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं चॉकलेट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये चॉकलेट के अंदर आते हैं अपन, ये क्या चीज़ है? ये टॉफी है कुल्फिला के नाम से, ये 100 रुपये पड़ता है, 150 बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। देखें ये वेफर है, 105 रुपए पड़ता है, 150 बनते हैं, ठीक है। ये
ये पान टॉफी है 160 रुपए पड़ती है, 200 बनते हैं। ठीक है। ऐसे ये वेफर आता है 115 रुपए पड़ता है, 200 बनते हैं। ठीक है। ये टॉफी आती है 90 रुपए पड़ती है, 200 बनते हैं। ठीक है। मतलब जैसे 5 रुपए बिक्री का आइटम है, 5 बिक्री का आइटम है। कितने में पड़ता होगा एक पीस इसका? एक पीस 3 रुपए लगभग। ठीक है। ये चुपा चुपा है 210 की बनती है, 240 बनते हैं। कितने का पड़ता है ये? 210 रुपया पड़ता है, 240 बनते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही है रोज कोंड है, 90 का पड़ता है, 150 बनते हैं। ठीक है। वैसे ये कुल्फी टॉफी आती है, ये 90 की पड़ती है, 150 बनते हैं। ठीक है। ये खिलौना वाला कैसे क्या आता है ये थोड़ा सा? ये खिलौना है 130 का पड़ता है, 250 बनते हैं, 500 बिकता है। 130 का पड़ता है, 250 बनते हैं। हाँ। और ये जो चॉकलेट आती है ये एक्लेयर है, 30 रुपये पड़ती है, 50 बनते हैं। 30 रुपये की पड़ती है ना, 50 बनते हैं। ठीक है। तो काजू मलाई आती है 145 की पड़ती है, 180 बनते हैं। ठीक है। कॉफी आती है ये 60 रुपये की पड़ती है, 120 बनते हैं। ठीक है। कोकोनट है ये 47 पड़ती, 75 बनते हैं। ठीक है। ये टेंगी है, ये 40 की पड़ती, 80 बनते हैं। ठीक है। ये धमाका है, 80 का पड़ता है, 150 बनते हैं। गिफ्ट बाद निकलते हैं इसमें। कितने का पड़ता है ये? 80 रुपए का, 150 बनते हैं। चीज के साथ है, 5 रुपए बिक्री के। ठीक है। ये चॉकलेट कैसे पड़ती है ये वाली? ये मेजी घंटा है, 55 का पड़ता है, 100 बनते हैं। 55 का पड़ता है, ये भी 55 का ही है? हाँ, ये भी 55 रुपए का है। और ये? ये डॉलर है, 100 के 150 बनते हैं इसमें। 100 के 150 एक रुपए बिक्री का टॉफी है ये। ठीक है। और ये मिठाई कैसे क्या पड़ती है? ये मिठाई 65 रुपए की है, 100 बनते हैं, 1 रुपए पीस बिकता है ये। ठीक है। और ये वाली? ये 140 रुपए का, 200 बनते हैं, 1 रुपए पीस में। ठीक है। और ये वाली? ये वाली जेली है अंगूठी, 75 रुपए की पड़ती है, 150 बनते हैं। और इधर ही है? ये टॉफियां है, 70 रुपए पड़ती है, 150 बनते हैं, 150 पीस आते हैं इसमें। ठीक है। ये नेक्स्ट, ये वाली टॉफी कैसे आते? कच्चा, ये कच्चा पड़ता है 85 रुपए का, 140 बनते हैं। ठीक है। ये वाले कैसे क्या पड़ते हैं? ये चॉकलेट्टू है, ये 90 का पड़ता है, 150 बनते हैं। ठीक है। ये क्या चीज है? ये इमली है, 1 रुपए में, 8 आने में एक है, 40 के पड़ते हैं, 60 बनते हैं। ये एक पीस कितने का पड़ता होगा? एक पीस 8 आने का, और 1 रुपए में बिकता है? 1 रुपए नहीं पड़ता, 30 पैसे का है, 50 पैसे में बिकता है। ठीक है। ये क्या है? ये पल्स टॉफियां हैं, 70 रुपए पड़ती है, 150 बनते हैं। और ये जेम्स है, 50 के पड़ती है, 75 बनते हैं। एक 21 टॉफियां आती है इसमें, जेम्स की 21 गोलियां आती है, 1 रुपए में। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते थे, ये क्या चीज है? ये धमाका है, 5 रुपए बिक्री का है, 90 रुपए पड़ता है, 150 बनते हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, स्ट्रॉबेरी हुई, उसके बाद ये रेड में हुई, मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है। खुरा पाती का धमाका आता है ये, 83 का 120 बनता है। ठीक है। गोली आती है 40 रुपए का, 60 बनते हैं, 1 रुपए बिक्री में। ठीक है। ये क्या चीज है? ये लॉलीपॉप है, 80 का पड़ता है, 160 बनते हैं। ठीक है। चोको स्टार आती है, 140 का पड़ता है, 200 बनते हैं। ठीक है। ये क्रैक्स आता है, ये 105 का पड़ता है, 150 बनते हैं। ठीक है। वेफर आता है, ये 95 का पड़ता है, 150 बनते हैं। ये आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं? नहीं, अपन सब ट्रेडिंग करते हैं, अपना ट्रेडिंग का काम है। अच्छा, ट्रेडिंग का काम है आपका। ये टॉफियां है, ये 90 का पड़ता है, 150 बनते हैं। ठीक है। इससे ये वेफर आता है 5 रुपए में, 115 का पड़ता है, 180 बनते हैं। रसभरी आती है,
150 की पड़ती, 90 की पड़ती है, 150 बनते हैं। ठीक है, ये कोण आता है 90 रुपए पड़ता है, 150 बनते हैं, 1 रुपए बिक्री का एक कोण आता है। ये ब्रावो बिस्किट आता है 105 का पड़ता है, 150 बनते हैं, 3 पीस फ्री भी आते हैं इसमें। ओके, ये चोको लड्डू है 100 का पड़ता है, 150 बनते हैं। अच्छा, आपकी शॉप रेलवे स्टेशन से कितनी दूर पे है? रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है। किधर आते हैं रेलवे स्टेशन से? ये रेलवे स्टेशन से अपन वेयर हाउस रोड पे आते हैं तो पावर हाउस होता है, पावर हाउस सामने गली में दुकान है अपनी श्री गणेश ट्रेडर्स के नाम से। ओके सर, थैंक यू। सर ये बिस्किट है, बेकरी बिस्किट है, 5 रुपए बिक्री का माल है ये। ये 150 रुपए का पड़ता है, 250 बनते हैं, 5 रुपए इसमें बिकता है। ये बेकरी के बिस्किट आते हैं। ये कितने का, जैसे एक पीस कितने का पड़ता होगा? ये लगभग एक पीस 3 रुपए का पड़ता है, 5 में बिकता है। 5 में बिकता है। ये सारा वही आइटम है, एक ही? सभी वही वैरायटी है, सब अलग अलग वैरायटियां आई है। मतलब रेट एक ही है? रेट एक ही है, कोई नान खटाई है, कोई बिस्किट है, कोई जेली बिस्किट है। और इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बढ़िया है सर। जैसे एक दो खोल के बताइए इसके अंदर कैसा है। देखिए ये बिस्किट आता है 50 पीस का, 5 रुपए का, एक ही वैरायटी आती है। 3 रुपए पड़ता है, 5 में बिकता है। हाँ, 3 रुपए पड़ता है, 5 रुपए। उसके बाद नान खड़ी आती है, ये 5 रुपए बिक्री में, तिल्ली लगा हुआ आता है, जेम और तिल्ली इस पे। उसके बाद चलो तो ये, उसके बाद मैंगो फ्लेयर में आता है, चेरी लगी हुई रहती है इसके ऊपर, चेरी हुई लगी हुई आती है इस पे, 5 रुपए बिक्री में। उसके बाद नान खड़ी आती है सफेद कलर की, सफेद नान खड़ी 5 रुपए बिकती है। उसके बाद ये जेली बिस्किट आता है 5 रुपए बिक्री में, जेम लगा हुआ रहता है इसके ऊपर। ये कितने का पड़ता है? ये 3 रुपए का पड़ता है, 5 में बिकता है। ठीक है, उसके बाद ये तिल्ली रोड आता है, 3 रुपए का पड़ता है, 5 रुपए बिकता है, 150 रुपए का 4 आता है। ठीक है, एक ही रोड आता है, दाना लगा रहता है इसके ऊपर। ठीक है, और ये ऊपर क्या चीज रखी है? ये भी तिल्ली रोट है, बिस्किट्स है तिल्ली के, नमकीन बिस्किट है। ये कौन सा बिस्किट है? ये जेली बिस्किट है, जेली लगा रहता है इसको, जेम जेली। मतलब ऑलमोस्ट रेट सबके एक ही है? सबके एक ही रेट है। क्या रेट बताया आपने इनका? 150 रुपए, 250 की तैयारी, 50 पीस।